जय माँ भगवती। आप सभी को राधे कृष्ण। तो देखिए लगभग सिंहार हो गया है प्रभु का और सर्वप्रथम मुख मंडल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जब प्रभु चाहते हैं तो उनका सिंहार हो ही जाता है। तो हम नहीं सोचे थे कि राधा अष्टमी में इनका सिंहार चेंज होगा, लेकिन प्रभु का मन था कि सिंहार चेंज करे, तो सिंहार चेंज हो ही गया। तो ये देखिए ये नेकलेस है, ये मीशो से मंगवाए थे हम, वो धारण किए हैं। और इस तरीके से प्रॉपर ड्रेस है। ये देखिए दूर से आपको पहले दिखा देते हैं। और अभी बांसुरी हम भूल गए लगाना, तो हम इनको बांसुरी हाथ में दे देंगे। तो ये देखिए प्रॉपर ये सिंघार है और काफी सुंदर लग रहे हैं हमारे प्रभु। और आज देखिए कितना सुंदर से पगड़ी बंधवा लिए हैं, आज हमने पगड़ी बांधा है इनको। और चलिए थोड़ा सा आवाज कम कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से सुनाई देगा। तो एग्जाम दे करके आए थे और अभी दो दिन का गैप है, तो सोचे कि चलो दो दिन है स्टडी के लिए, तो बीच में प्रभु का सिंघार चेंज कर दे। तो ये देखिए कितना सुंदर सिंघार करवाए हैं प्रभु। और ये हमारे कृष्णा जी है, तो इनको बांसुरी दे देते हैं, फिर आपको दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए एक ही बांसुरी है इनके पास, इतना बड़ा साइज का बांसुरी पॉसिबल नहीं था यहाँ पे मिलना, ये भी ढूंढ ढूंढ के हम लाए थे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है जैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और ये बार बार, ये हमारे यहाँ पे डारा पहनाए जाते हैं, तो बार बार पे हम मतलब बार बार सिंघार करते तो भूल जाते, तो इसलिए ऊपर से इनको पहनाना पड़ता है। और इस तरीके से ये प्रॉपर स्कोन पैटर्न का धोती पहनाए हैं। और पायल देखिए, प्रभु का पांव जो है तो खाली है, पायल मिल नहीं रहा है। और जो भी पायल जो है तो ये हम निकाले थे, ये देखिए ये वाला, तो ये वाला पायल मुड़ नहीं रहा, इस वजह से प्रभु धारण नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए अब आपको दिखेगा अच्छे से, ये देखिए, तो इस वजह से पहना नहीं पाए हैं, देखते हैं पहना देंगे इनको बाद में। तो ये देखिए प्रभु, और इसके बाद हम आपको राधा रानी का दर्शन कराएंगे। तो सिंघार करते हुए मुझे खुद नहीं पता था कि क्या सिंघार होने वाला है, क्योंकि वस्त्र जो है सो हम अभी ही कैसे कैसे करके हम पहना है। ये धोती आप लोग को लग रहा होगा ना, ये सिला हुआ धोती नहीं है, सीधे ये कपड़ा है, तो जैसे तैसे करके पहनाए हैं, इस वजह से हम आपको सिंघार करके नहीं दिखाए हैं इस वजह से। तो अभी सूट कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये सिंघार जो है सो राधा अष्टमी का सिंघार है। और अब इसके बाद हम आपको राधा रानी का दर्शन कराएंगे। तो सर्वप्रथम हमको राधा रानी का ही दर्शन कराना चाहिए था, लेकिन श्री कृष्ण जी का ही दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि इस चौकी पे पहले कृष्ण जी ही स्थापित हैं। पहले राधा रानी का सिंघार हुआ था, उसके बाद कृष्ण जी का किए हैं, इस वजह से। तो कोई बात नहीं है, तो चलिए अभी कृष्ण जी का प्रॉपर हमने दर्शन करा दिया, अब हम राधा रानी का दर्शन कराते हैं, उसके बाद प्रॉपर दोनों का दर्शन एक साथ करवाएंगे। तो चलिए आप दर्शन कीजिए राधा रानी का, और सर्वप्रथम मुख मंडल से ही आपको दर्शन करवा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी। तो सभी लोग कहिए राधे राधे, और बड़ी अच्छा लगता है, एक धुन है, ऐसे नहीं कराएंगे दर्शन, कहना पड़ेगा राधे राधे। तो ये देखिए ये प्रॉपर लुक है राधा रानी का, नीचे से ये देखिए ये लहंगा है ये, और डबल दुपट्टा इन्होंने धारण करके रखा, ये देखिए। और ये मीशो का ये ज्वेलरी है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, हम कुछ और ऑर्डर किए थे, लेकिन आया ये, तो ये जो है तो एक ही सेट था, उसको तोड़ करके दो बन गया है, दोनों जो है तो राधा रानी और हमारे कृष्ण जी दोनों प्रॉपर धारण कर लिए हैं। तो धारण करने के बाद काफी सुंदर लग रहा है, तो चलो कोई बात नहीं है। तो ये देखिए ऐसा सा है ये पूरा लुक, नीचे से देखिए इस टाइप से है। और हम सोचे नहीं थे कि राधा अष्टमी के दिन वस्त्र चेंज करेंगे, लेकिन अभी मन हुआ कि चलो चेंज कर देते हैं, अभी हमारे पास दो दिन का टाइम है एग्जाम का, तो पढ़ लेंगे दो दिन में। तो अभी हम बैठे हुए थे, अभी रात का लगभग अभी 8 बज रहा होगा, हम 8 बजे सिंघार करने हैं प्रभु का, तो आप लोग सोच सकते हैं। तो कहा जाता है कि जब भी मन हो तभी प्रभु में लीन हो जाना चाहिए, कोई ऐसा बात नहीं है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और मैं क्या ही मैं बोलूं, और सामने से मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है, हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा सुंदरता ढक जाए,
लेकिन बहुत ही ज्यादा सुंदर है हमारी राधा रानी। मन प्रसन्न हो जाता है इनको देखकर। और इनका तीसरा बार सिंघार हो रहा है मेरे हाथों से और अब लगभग मेरे को आदत पड़ गया है। फर्स्ट टाइम जो है सो छोटा बड़ा हो रहा था, लेकिन अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है इनका सिंघार करने में। देखिए आप लोग देख सकते हैं, एकदम अच्छे से सिंघार करवा लिए हैं हमारी देवी। और देवी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, आज जीवन हम ऐसे ही आपका सेवा करते रहे और ऐसे ही आप हमारे घर में वास करें, इतना ही सुंदर सुंदर बन के हमारे घर में आप स्थापित रहे। ये घर मेरा नहीं है, आपका है और ये सब आप ही ने दिया है, तभी हम आपका सेवा कर पा रहे हैं। बस यही हमारी राधा रानी से प्रार्थना है। और आज राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है, तो जैसे जन्माष्टमी 2 दिन मनाए गए थे उसी तरीके से इसमें भी असमंजस हो गया है लोगों को। कोई 22 को मना रहे हैं, कोई 23 को मना रहे हैं। तो हम 22 तारीख को सिंघार कर रहे हैं और 23 तारीख के सुबह में इनका पूजा करेंगे राधा अष्टमी का। तो 23 तारीख को हम मना रहे हैं उदया तिथि में और बाकी लोग 22 तारीख को भी मनाए हैं, तो कोई बात नहीं है। ऐसे में भी जन्माष्टमी और राधा अष्टमी 2 दिन मनाए ही जाते हैं। और इसमें तिथियों का जो है तो उलट पुलट इसलिए होता है ना, ताकि ये सूर्य उदय नहीं होता है जिस तिथि में, उस तिथि का कोई मान्य नहीं रहता है हमारे हिंदू धर्म में, इसीलिए उलट पुलट होता है। तो हमारी राधा रानी का जन्म जो है तो दिन के दोपहर 12 बजे हुआ था, तो इस वजह से जो है तो उदया तिथि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारे कृष्ण जी का जो जन्म है वो रात के 12 बजे हुआ था, तो उसमें उदया तिथि का कोई महत्व नहीं है, उसमें अष्टमी तिथि का महत्व है। तो दोनों में यही अंतर है, तो इसलिए उदया तिथि को लेकर के कल मनाया जाएगा 23 तारीख के दिन। और कुछ कुछ लोग जो है तो 22 को भी सेलिब्रेट किए हैं। तो चलिए ये है प्रॉपर हमारी राधा रानी। अब दोनों के साथ में दर्शन आप लोगों को कराते हैं। तो ये देखिए स्थापित हो गए हैं अपने स्थान पे और अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं दोनों के साथ में। तो दर्शन कीजिए हमारे युगल सरकार का और देखिए कितना सुंदर है हमारे प्रभु। और क्या ही मैं इनका वर्णन करूं, काफी सुंदर लग रहे हैं आज। तो आई होप आप लोग को दर्शन हो गया होगा साथ में भी। तो चलिए आप सभी को जय मां भगवती, राधे कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।